Zeros of a polynomial. जीरो का मतलब होता है सॉल्यूशन. अब किसी भी पॉलीनोमियल के सॉल्यूशन से मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जाए जीरो. फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस पे ये पूरी पॉलीनोमियल जीरो बन जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे px हमारा क्या है x square minus 2x. अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 2, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2. x की पावर 2 मीन्स 4, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0. अब इस पूरे पॉलीनोमियल का की वैल्यू आ गई जीरो. इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x. दो तरह के क्वेश्चन करने हैं. टाइप फर्स्ट जिनमें हमें जीरो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हमें एक पॉलीनोमियल दिया है 2x प्लस 5 और हमसे पूछा गया है कि इस पॉलीनोमियल की जीरो निकालो. तो उसके लिए पूरे पॉलीनोमियल को इक्वल टू जीरो लेट कर लेंगे. इसका मतलब 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो. यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे ये 5 प्लस हो रहा है ट्रांसपोजिशन की हेल्प से. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. 0 माइनस 5 मीन्स माइनस 5. ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. ट्रांसपोजिशन करेंगे तो उधर जाकर डिवाइड. इसका मतलब जो x इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 है वो इस पॉलीनोमियल की 0 है. अब सेकंड टाइप है हमें देखना है जो गिवन पॉलीनोमियल है वो उसकी कोरस्पोंडिंग जो 0 दिया है वो ठीक है या नहीं. लेट अस सपोज हमें एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जीरोस की वैल्यू दी हुई है 1 एंड माइनस 1. हमें चेक करना है कि ये जो जीरोस हमें दिए हुए हैं वो इस पॉलीनोमियल के अकॉर्डिंग सही जीरो है या नहीं. तो सबसे पहले हम 1 को चेक करेंगे. पॉलीनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1. इसका मतलब एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है 1. एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. अब अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब ये जो 0 है वो करेक्ट है. हमें एक्स की दूसरी वैल्यू चेक करनी है. पॉलीनोमियल ये दिया हुआ था एक्स की दूसरी वैल्यू थी माइनस 1. तो हमने इस पॉलीनोमियल में वो वैल्यू पुट की. किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो नेगेटिव नंबर कैंसिल हो जाता है. तो माइनस 1 की पावर 2 इसका मतलब वो 1 आ जाएगा और माइनस 1 सॉल्व करके आंसर आया 0. इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अब ऐसा इस 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. हमें एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और एक्स की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. इन एक्स की वैल्यूज पे हमें इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो एक वैल्यू दी हुई है एक्स की माइनस 1. तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस पॉलीनोमियल की एक्स की वैल्यू माइनस 1 पे. वैल्यू पुट कर देंगे जहां पे भी एक्स है वहां उसकी जगह पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे. 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5. माइनस 1 की पावर 2. फिर से नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा.
और 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर 9 साइन आएगा माइनस प्लस थ्री, माइनस 9 प्लस थ्री 6 और साइन आएगा माइनस। तो x की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। और ऐसे ही हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस पर भी हमें गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकालनी है 0, 1 एंड 2 पे। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी।